मैं कॉलेज का नाम बता सकता हूँ और स्टूडेंट का नाम बता सकता हूँ जो इसने नकल किया है। आइए मेरे पास, मुझसे बात करिए, मैं बता दूंगा। जाइए जाँच करिए उसका, जितना उसने सही किया है पूछिए उससे कैसे सही किया है। साल भी नहीं कर पाएगा वो लड़का। तो मैं पहले ही बोल रहा था, आप मेरे वीडियो में देखेंगे, आज से 10 दिन पहले जब सेंटर, 4-5 दिन पहले जब सेंटर क्लियर हुआ कि होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तभी बोल दिया था अगर होम डिस्ट्रिक्ट है तो पेपर लीक गारंटी है होगा, अनपढ़ों को बैठाएंगे सत्ता में तो यही होगा। ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है क्योंकि अभी मेरा चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा और लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है। हाँ तो भैया, पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, पेपर लीक हो भी गया है, सबूत दे रहे हैं टीचर और लड़के, लेकिन गवर्नमेंट है, देखिए सुनती है कि नहीं। आरओ में जैसे डेडिकेटेड थे, नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ा। जांच हो रहा है आरओ का, उसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पेपर हुआ, मैं पहले ही बोल रहा था, आप मेरे वीडियो में देखेंगे, आज से 10 दिन पहले जब सेंटर, 4-5 दिन पहले जब सेंटर क्लियर हुआ कि होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तभी बोल दिया था अगर होम डिस्ट्रिक्ट है तो पेपर लीक गारंटी है होगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो साल्वर हैं वो घूम रहे हैं और पकड़े भी गए हैं, 86, 87, 88 लोग 9-9 लाख रुपए लेकर करवा देंगे नकल। ये खबरें भी हैं सोशल मीडिया पर, जग जा ही रही है बात। और होम डिस्ट्रिक्ट दिया है, अगर मेरे ज़िले में मेरा एग्ज़ाम है तो मेरा लिंक तो मेरे ज़िले में होगा ना, किसी के थ्रू। ये सरकार को समझना चाहिए था कि होम डिस्ट्रिक्ट आप दे रहे हैं ना तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराइए। मैं चिल्ला के बोल रहा था, नहीं सुन रहे हैं, मत सुनिए। अब किसकी सुनी रहे, बड़े लोग नहीं सुन रहे, हमारे जैसे छोटे लोग क्या सुनेंगे। अब दिक्कत इस बात की है कि पेपर हो गया, मेरिट इतनी हाई जाएगी, गवर्नमेंट मानेगी नहीं, आयोग मानेगा नहीं नकल हुई है कि नहीं, लीक पेपर के सबूत दिए जाए कितने भी। अब ट्रेंड कर रहा है हैशटैग पेपर लीक, पुलिस पेपर लीक, अब ये सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। अब देखिए क्या होता है, मेरिट भैया जो 135 और 30 के बीच में हैं किए हुए क्वेश्चन साल्व, मतलब 270 के करीब अगर आप सही किए हैं, फिर भी आप सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि नकल माफियाओं ने इतना स्तर पर नकल कराया था, 8,500 सीट है, इससे ज़्यादा तो नकल हुए हैं। मैं कॉलेज का नाम बता सकता हूं और स्टूडेंट का नाम बता सकता हूं जो इसने नकल किया है। आइए मेरे पास, मुझसे बात करिए, मैं बता दूंगा। जाइए जांच करिए उसका, जितना उसने सही किया है पूछिए उससे कैसे सही किया है। साल भी नहीं कर पाएगा वो लड़का, मैं रोल नंबर तक जानता हूं उसका, ऐसे पेपर लीक हुए हैं बताइए। और इस स्तर पर जैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है कि बैठ जाओ सब लोग एक तरफ से बोल देंगे, ये उत्तर प्रदेश है, जिस प्रदेश में पेपर से पहले उत्तर पता चल जाए वही उत्तर प्रदेश है, और यही रामराज्य है। बोल रहे थे सब बराबर, सबको एकदम न्याय मिलेगा, मिल रहा है, देखिए सब नकल किए हैं, देखिए कितने अच्छे योगी जी हैं कि क्या व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा शानदार काम कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर में। लेकिन कहाँ से, वो बोलते हैं ना कि आपकी सोच से 2 कदम आगे, ये पुलिस के लिए नहीं है, ये चोरों के लिए है। अब पुलिस ढूंढती रह जाएगी, अब सबको पता है कि पुलिस से स्मार्ट चोर हो गए हैं, पुलिस वाले तो कुछ लोग तो अभी कुछ जन्मे नहीं करते हैं साइबर के बारे में, चोरों से पूछो ऐसी ऐसी बात बता देंगे कि पुलिस वाले कहेंगे ये क्या होता है, सीखना पड़ेगा आईआईटी वालों से। ये हाल है उत्तर प्रदेश में, कभी भी पिछले कुछ सालों में एक भी पेपर आप बता दीजिए जो बिना नौटंकी की समाप्त हुई हो, बिना लीक का समाप्त, जरूर कुछ ना कुछ आरोप लग ही गए हैं। कुछ जो बड़े टीचर हैं यूट्यूब में, बेचारे कल रो रहे थे कितनी मेहनत किए, बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसके पास 9-10 लाख रुपए वो पढ़ने क्या जरूरत है, उसको इकट्ठा करो दे दो हो जाओगे पुलिस। ये हालात है अपने यहाँ, उत्तर प्रदेश है ना, और राम राज्य आ गया है। राम राज्य में जरूरी ये है कि सब बराबर, अगर सबको एक को नकल नहीं सब करेंगे, वाह। बेचारे रात दिन पढ़ रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, किस हालात में पेपर देने गए, जाम लग गया, फंसे रहे घंटों वहाँ, इसलिए बोलते हैं सत्ता में अनपढ़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अनपढ़ क्या जाने कि पेपर कैसा होता है, तैयारी कैसी होती है, कठिन कितना होता है, कितना लड़ना पड़ता है समाज से दुनिया से, अनपढ़ों को बैठाएंगे सत्ता में तो यही होगा। ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है क्योंकि अभी मेरा चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा और लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है, ट्विटर पे अकाउंट डिलीट हो गया, अब तो एक्स हो गया प्लेटफॉर्म, उसको डिलीट करवाया जा रहा है, इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करवाई जा रही है, मतलब आप आवाज़ उठाएंगे तो डिलीट करवा देंगे। यूट्यूब न जाने कितने लोगों का डिलीट करवा दिया गया चैनल ही, भैया सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। आलोचना करना बहुत ज़रूरी है और सत्ता से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है।